नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। एक स्थानीय सुरक्षा सूत्र ने बताया कि स्थानीय शहर के मध्य हिस्से में एक आत्मघाती हमलावर ने एक पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में विस्फोटकों से लदा एक ट्रक विस्फोट कर उड़ा दिया। ये पानी ढोने वाला ट्रक था। एक चश्मदीद ने बताया कि विस्फोट के वक्त प्रशिक्षण स्कूल के परिसर में करीब 300 लोग थे, जो मुख्यतः तटरक्षक बल के कर्मी थे। अमेरिका ने पाकिस्तान से पठानकोट में वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले की गहनपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच किए जाने की उम्मीद जताते हुए कहा है कि वो इस जांच के परिणाम का इंतजार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कल कहा, हमें गहनपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच प्रक्रिया की उम्मीद है और इसके परिणाम का इंतजार है। किर्बी ने कहा कि ये पता करना पाकिस्तान का काम है कि जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा। चीन ने तय कर लिया है कि वो पीओके में मेगा डैम बनाएगा। चीन की सरकारी कंपनी ने इस डैम को बनाने का ऐलान कर दिया है। ये संकेत हैं, भारत के कड़े विरोध के बावजूद चीन पीओके में बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी सरकारी हाइड्रो पावर कंपनी में से पीओके में डैम बनाने के लिए समझौता किया है। शार्ली हेब्दो हमले की बरसी पर पेरिस में एक थाने पर हमला करने की कोशिश करने वाले एक जिहादी को गोली मार दी गई। उसके हाथ में चाकू था। युवक संभवतः मोरक्को मूल का था और उसकी उम्र 20 साल के आसपास थी। उसने फ्रांस की राजधानी के उत्तरी 18वें जिले में एक इमारत में घुसने की कोशिश की। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसा लग रहा था कि उसने विस्फोटक बांध रखा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस बार 9 जनवरी से शुरू हो रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में चीन अपने 250 सदस्यों के भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल के साथ शामिल हो रहा है। चीन इस बार विशेष अतिथि के देश है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा ने गुरुवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रगति मैदान में 9 से 17 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस पुस्तक मेले की थीम भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। शर्मा ने कहा कि मेले में भारत की समृद्ध और विविधता में एकता का प्रदर्शन करने वाली सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।